हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैर आफियत से रखे। मैं हूं बिला कमल। आज की वीडियो में लिख के आई हूं हैंड बैग्स पर, जो कि आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैंड बैग्स नज़र आएंगे, ब्लैक में, वाइट में, मल्टी कलर्स में, हैंड वर्क में, शीट में, विदाउट शीट, लेदर, हर टाइप के आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको आम रूटीन में जो हैंड बैग यूज़ होते हैं, कैजुअल यूज़, वो आपको नज़र आएंगे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैंड बैग्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जितने भी बैग्स लेके आई हूँ हैं सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। सफ़र के लिए कोशिश किया करें कि बहुत छोटा सा हो, इजी हो, जिसमें आपके सारी चीज़ें आ जाती हों। इस टाइप का बैग लिया करें जो कि बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। आप अगर बड़ा ले रहे हैं बैग तो ये देखा करें कि आप कैरी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बड़े बैग्स जो उनसे हैं उठाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये जो छोटे बैग होते हैं उठाओ और बंदा ले जाए जस्ट अपनी आम रूटीन की चीज़ें, मोबाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जिस बैग में आ जाए आप वो बैग लिया करें। इस टाइप के बैग्स हर लड़की को पसंद होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये छोटे भी होते हैं, मीडियम साइज़ होता है ये बैग का। बहुत प्यारे प्यारे कॉलेज गोइंग जो उनकी लड़कियां हैं उनके लिए बैग्स लेके आई हूँ। बहुत प्यारे हैं ब्राइडल बैग्स, आप नज़र आएंगे। आजकल शादियों का सीज़न है, सब गर्ल्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे जहेज में, वरी में बैग्स बहुत प्यारे प्यारे हों। आप इसको वीडियो को देख के आइडिया ले सकते हैं कि हम अपना बैग किस टाइप का ले सकते हैं। आपको मेटल बैग नज़र आएंगे। जो वाइट बैग है, वाइट बैग हर ड्रेस पर खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगते हैं वाइट और ब्लैक बैग्स। इसके अलावा आपको जो भी कलर पसंद है, मुझे जो पर्सनली पसंद है वो वाइट, ब्लैक, रेड पर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं इस टाइप के, और मुझे पसंद भी इसी टाइप के हैं पर्स, क्योंकि आम रूटीन में अच्छे ही यही लगते हैं। जो बहुत हैवी होते हैं वो तो जस्ट शादियों में और जो उनसा है दुल्हनों पर अच्छे लगते हैं। जो हम गर्ल्स होती हैं, जो मैरिड गर्ल्स हैं, बच्चों के साथ हैं, उनके जो बैग थोड़े बड़े ही होते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें रखनी होती हैं। जो ड्रेस के साथ मैचिंग करना चाहते हैं अपना बैग, वो भी आप देख सकते हैं कि हम अपने ड्रेस पर किस टाइप का ले सकते हैं। कंट्रास्ट के साथ शूज़ और हैंड बैग, इनके साथ आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। कंट्रास्ट में जो बैग लिए जाते हैं कि वाइट ड्रेस हो उसके साथ रेड पर्स ले लिया जाता है, बहुत प्यारे लगते हैं। रेड पर्स ब्राइडल के लिए भी बहुत अच्छा है। जो ब्राइडल्स हैं रेड लहंगे पहनती हैं, तो हर लड़की चाहती है कि हमारे बैग बहुत खूबसूरत हो। आजकल तो आम रूटीन में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हैंड बैग उठाया जाता है कि हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आम रूटीन में किसी के भी घर जाते हैं, मोबाइल रखे होते हैं, उसमें टिशू वगैरह कुछ भी, अपनी आम रूटीन की बैकअप, ख़ास तौर पे जब हम सफ़र करने लगते हैं तो उसमें हम अपना बैकअप रखते हैं। इसके लिए आप देखा करें कि अलग से उसका पाउच हो जिसमें हम अपना मेकअप, ज्वेलरी वगैरह रख सकें, ताकि हमारे बैग में ही कवर हो जाए। क्योंकि जब हम अलग अलग चीज़ें लेंगे, हर चीज़ का अलग बैग बनाएंगे, तो वो हमें कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश क्या करें कि जब भी बैग लें वो इस टाइप का लें कि जिसमें हमारी चीज़ें भी आ जाएं और वो दिखने में भी खूबसूरत हो और उसकी लुक बहुत खूबसूरत हो। जो एक पर्स की शेप होती है ना, वो शेप देखा करें कि शेप किस टाइप की है, क्योंकि जब लुक अच्छी लगेगी वो ऑटोमेटिकली पर्स अच्छा लगता है। और ये देखा करें कि साफ़ होने वाला हो, क्योंकि सफ़र में अक्सर पर्स इस तरह होते हैं कि हैंड बैग ऐसे होते हैं कि वो गंदे हो जाते हैं और वो साफ़ नहीं होते हैं। आप ये देखा करें कि ये स्टफ़ देखा करें कि हमारे हैंड बैग का ये स्टफ़ साफ़ हो जाएगा या नहीं। मैं तो बहुत देखती हूँ ये चीज़ कि बंदा कपड़ा लगाए और साफ़ सुथरा, क्योंकि बच्चों के साथ गंदे हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, हर हाल में सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं
तो लाजमी कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।